इस अंधेरे उजाले के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच इस अंधेरे उजाले के बीच। कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां। कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां। कैसे कैसे है मंजर यहाँ, कैसे लूं अपनी आंखें में नीच इस अंधेरे उजाले के बीच। जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच इस अंधेरे उजाले के बीच। अब तक आपने देखा, रुखसाना खान के साथ खाना खाने के बाद साजिद दफ्तर आता है और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करता है। ख़वातीन में साजिद की मकबूलियत की वजह ही है कि एक ही मुलाकात के बाद ज़किया साजिद को अपने घर बुलाने के लिए अपनी कार भेजती है। साजिद पहली बार ज़किया के घर जाता है। ज़किया की शायराना तबीयत साजिद से मिलकर फिर उमड़ पड़ती है। वो उसे अपने पुराने शेर सुनाती है। दोनों की नजदीकियां पहली मुलाकात में ही बढ़ जाती हैं। अब आगे। हेलो रोजी, कैसी हैं आप? हेलो सर, आप बैठे प्लीज। आई नहीं डॉक्टर अभी तक? नहीं, अभी आने वाले हैं बस।
Hello, Rosie. Good morning, sir. Hello, Mr. Sajid. How are you? Good. You are here in the morning. Please come. Aayi andar aayi. डॉक्टर साहब आइए. साजिद साहब आइए. काफी दिन बाद आना हुआ आपका इस बार. जी हाँ, बस दो तीन शामें मसरूफ गुजरी. क्या मसरूफियत थी? कुछ खास नहीं, बस एक दिन किसी के यहाँ खाने पर चला गया था, फिर चाय पर. आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, इसलिए सब काम छोड़ छाड़ कर आपके पास आया. कोई खास बात जो आपकी तबीयत बिगड़ गई? खास बात बस यूँ समझ लीजिए कि जहाँ तबीयत संभलनी चाहिए थी वहाँ और बिगड़ गई. दो दिनों से बड़ी खातिर तवाज़ो हुई, उम्दा खाना. आप तो जानते ही हैं, बड़े लोगों की पार्टियों में हम अदीबों और शायरों को वक्ती तौर पे ही सही, लेकिन हाथों हाथ लिया जाता है. हालात तो बेहतर हैं, मगर आपकी तबीयत पर उल्टा असर कैसे हुआ? अब ये तो आप ही जाने. खैर छोड़िए, आप आ जाइए अपनी आराम कुर्सी पर. आइए, रिलैक्स हो जाइए. बदन और जहन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा जी. आंखें बंद कर लीजिए और अब आपके जहन में जो कुछ आए उसे मुझे बयान कर दीजिए. हैदराबादी खानों का मजा. आप अभी रिलैक्स नहीं हुए, सोचकर मत बोलिए. ये कैसे मुमकिन है कि मैं ना सोचूं? मुमकिन होगा, जहन पर जोर मत डालिए, रिलैक्स हो जाइए. औरतें बोलती बहुत हैं. इन औरतों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए. ये क्या, आदमी पर आदमी चढ़ा जा रहा है? ये लोकल ट्रेन है या कयामत की गाड़ी? उफ, क्या धक्का मुक्की. नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, दाईं तरफ से मुझे भी धक्का लगा. ये कोई औरत है? आप जानते हैं इस औरत को? ये बच्चा किसका है? बहुत रो रहा है बेचारा. एकदम अंधेरा है यहाँ. ये मुझे इस आम के बाग में कौन लाया? ये तो अंधेरिया बाग है. आम पक गए, टपकने को तैयार है. आपको आम बहुत पसंद है? जी हाँ, कैसा ही सख्त आम हो उसे चूस कर खाता हूँ, उसे घुला लेता हूँ. आम और जामुन का क्या प्यारा गीत है. आमन जामुन के दो पेड़, मैं तो बन में ही झूलूंगी. ये क्या वाकई वाकई झूले लग गए? लड़कियां झूले झूल रही हैं. साजिद साहब, आप इन लड़कियों में से किसी एक को भी जानते हैं? नहीं, किसी को नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है. जैसे ही लड़कियां झूले झूल रही हैं, पेंग ले रही हैं, लड़कियों ने झूले झूलते हुए अपने चोले बदल लिए. अब वो औरतें बन गई हैं, सबकी शादियां हो रही, बारात आ रही. एक नहीं, कई बारात है. उफ, कैसा शोर, कैसा हंगामा. ये क्या बारातें गायब हो गई? सब खामोश. सबके चेहरे लटक गए. सब जैसे सब औरतें रुखसत हो चुकी हैं. चारों तरफ एक बोझिल खामोशी. खामोशी खामोशी. साजिद साहब, अब आप आंखें खोल लीजिए. डॉक्टर साहब, ये कहाँ कहाँ की खुराफातें इकट्ठी होकर मेरे सामने आ रही हैं.
आपके दिमाग के कोने खुदरों से। इतना पुरानदा है मेरा जहन, तौबा, अब तक आंखें जल रही हैं। आपके सर का दर्द कैसा है? पता नहीं, अभी तो कुछ भी महसूस करने की सलाहियत नहीं है। साजिद साहब, इस इलाज में डॉक्टर कुछ नहीं करता, मरीज खुद ही अपने जहन की गुत्थियां सुलझाता है। मेरे ख्याल से आपको एक हफ्ते तक रोज आना चाहिए, और उसके बाद हर तीसरे दिन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ आऊँ कि ना आऊँ, मेरी उलझनें तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उलझन बढ़कर ही ख़त्म होती है, आप इलाज को बीच में छोड़ देंगे तो आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बहरहाल अब तो मैं कुछ हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात हो रही है, इसी वक्त? जी ज़रूर। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। तस्वीरें बनाता है ये शख्स। हेलो, हाँ रोजी, ये देखो साजिद साहब अपनी डायरी भूल गए, उन्हें जरा अंदर वापस भेजो। साजिद साहब, आपकी डायरी और आपका कलम। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे ख्याल से इनके बिना आप अधूरे हैं। यही मेरी पहचान है। खुदा हाफिज़। दिलचस्प। फसले उल्फत के गुलाबों की ये साजिद अब्बास भी कमाल का लेता है, क्या अनुमान है। फसलें उल्फत के गुलाबों की, सच बोलने से इसे कोई गुरेज नहीं। सुना क्या लिखता है? मुझे ये मज़मून लिखने की तहरीक एक शायरा ज़किया नास का ये शेर सुनकर पैदा हुई। खिल जाए जहां कलियां उल्फत के गुलाबों की, सहरा मेरे ख्वाबों का वो आबो हवा मांगे। ये शेर तो ज़किया ने खुद साजिद साहब को सुनाया था मिसेस शाहबुद्दीन के घर में। फन तो ये है किस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए। सुनो क्या लिखा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के आवाम दोस्ती चाहते हैं, अमन की फिजा चाहते हैं। दोनों मुल्कों में ना सिर्फ पड़ोसी के बल्कि खून के रिश्ते हैं। इस हकीकत के बावजूद दोनों मुल्कों के आवाम मोहब्बत ख्वाह हैं। वहाँ के सियासतदानों ने अपनी अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए इस खिताए जन्नत निशा को उजाड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। यहाँ के लहलहाते मैदान बेआबो बेआबान सैराहों में तब्दील हो गए हैं। जहाँ बेला चमेली गुलाब मोतिया खिलते थे, वहाँ बारूद की काश्त होती है,
और नफरत के पौधों पर इंसानियत को हलाक करने वाले बम खिलते हैं। बेरंगे गुलाब की जगह तीखे खंजर नजर आते हैं, शोखे गुल की जगह तलवारें चमकती हैं, लेकिन क्या इस मस्नूई दुश्मनी और नफरत को ज्यादा दिन तक बाकी रखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनिए बेगम, नफरत के खारदारों में उल्फत के गुलाबों की फसलें उगनी चाहिए। ये किसी एक फर्द, किसी एक तबके, किसी एक ग्रोह की आवाज नहीं। कलमकार अपने लफ्जों, अपने शेरों से इस माहौल को बदल लेना चाहता है। क्या खूब लिखा है। मुबारक हो साजिद, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या मज़मून लिखा है। एक एक लफ्ज सोने में तोलने के लायक है। और ज़किया को तो तुमने एक ही आर्टिकल में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मगर वो मैडम है कहाँ? वो कलकत्ता गई हुई है। मोयुद्दीन आजकल कलकत्ता में है। वैसे मैंने सुबह सुबह तुम्हारा आर्टिकल पढ़ के उसे फोन किया तो वो खुशी से उछल पड़ी। कह रही थी कि वो परसों वापस आएंगे। और तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी है उसने कामयाब आर्टिकल लिखने पर। हाँ, और शायद वो खुद भी तुम्हें फोन करे। कल पार्टी में तो आ रहे हो ना? जी इंशाल्लाह जरूर। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिल रह गया हमारा एक बार मुस्कुरा कर, एक बार मुस्कुरा कर। दिल रह गया हमारा एक बार। हेलो। हेलो साजिद, मैं बोल रही हूँ, नाज। जी मिसेस मोहिउद्दीन, फरमाइए। तुम अपनी शरारत से बाज नहीं आओगे ना? अखबार में छापते हो ज़किया नाज और पुकारते हो मिसेस मोहिउद्दीन। मैं कल के प्लेन से पहुंच रही हूँ। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हिम्मत अफजाई के लिए शुक्रिया। तो तुमसे कल मुलाकात हो रही है ना? जी इंशाल्लाह जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। जी सर। जी अभी आया। साजिद, इंडो पाक कल्चरल सोसाइटी से फोन आया है। कल एक डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है, वो चाहते हैं कि तुम भी इस डेलीगेशन में शामिल हो। तुम्हारा पासपोर्ट तो है ना? जी जी हाँ, पासपोर्ट है मेरे पास। गुड, तो बस तैयारी शुरू करो। इस डेलीगेशन में तुम्हारी मौजूदगी हमारे अखबार कलाम की तरक्की का बायस होगी। शुक्रिया सर, लेकिन कल ही जाना है। हाँ, कल शाम की फ्लाइट है। लेकिन वो मिस्टर साजिद अब्बास, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और फिर ये सोचो कि तुम ऑन ड्यूटी होगे। जी जैसा आप हुक्म दें। तो मैं तैयारी करूँ? यस ऑफ कोर्स। तुम अपना पासपोर्ट लेते आना, बाकी इंतजाम मुकम्मल हैं। जी। हेलो। जी सलाम अलैकुम, साजिद बोल रहा हूँ। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि कल मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो सकूँगा। क्यों? दरअसल मुझे किसी काम से कराची जाना पड़ रहा है।
असल में इंडो पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी का जो डेलीगेशन है उसमें मुझे सिलेक्ट किया गया है। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो इंशाल्लाह वापसी में आपसे मुलाकात होगी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अरे भी तुम वहाँ डेलीगेशन के मेंबर की हैसियत से जा रहे हो, जब लौटोगे तो हम सभी तुम्हारा इस्तकबाल एयरपोर्ट पे करने आएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।